नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। दोस्तों, मैं आपको सबसे बड़ी खबर बताना चाहूंगा जो आज तक आपने सुनी नहीं होगी, और ये खबर समझिएगा भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटोज गोदी मीडिया पत्रकारों ने अपने चैनल से हटा दिए। वो चेहरा जो बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बताया जाता है, जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ती है बीजेपी, आज उस चेहरे को खुद गोदी मीडिया पत्रकारों ने अपने चैनल से हटा दिया। सोचिए, ये खबर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चलेगी, वो क्या सोचेंगे? उन्होंने क्या फोटोज में कोई कमी रखी थी? हर पोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है, हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो है। अगर आप पीएम मोदी भी गूगल पर सर्च कर देंगे तो आपको हजारों फोटोज मिल जाएंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने की आखिरकार वजह क्या थी, इस पर बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, जी न्यूज का ये पोस्टर देखिए। जब गुजरात चुनाव हो रहा था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगा दी गई थी, क्योंकि वहां पर पार्टी जीतते हुए दिखाई दे रही थी। आज उसी जी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो हटाकर वहां पर जेपी नड्डा की फोटो लगाई है। इसके बाद अगर आज तक की मैं बात करूं, यहां पर भी जेपी नड्डा की फोटो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो गायब है। इसके बाद अगर एबीपी पे बात की जाएगी, एबीपी न्यूज ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो के जगह पर जेपी नड्डा की फोटो लगाई है। ये इस वजह से क्योंकि नहीं चाहते गोदी मीडिया पत्रकार कि जहां पर बीजेपी हार रही हो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो या उनका नाम भी सामने आए। इससे कहीं ना कहीं इमेज डाउन होती है। यही बात दोस्तों आलोक शर्मा भी कहते हुए नजर आए, जिन्होंने आज तक के शो में ये बता दिया कि आज कर्नाटक के अंदर अगर बीजेपी हार रही है तो आपके चैनल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगह पे जेपी नड्डा की फोटो लगाई। जिसके बाद पत्रकार अंजना ओमकश्यप और साथ ही साथ चित्रा त्रिपाठी भड़कते हुए भी नजर आई और उनको तंज मारते हुए नजर आई। अंजना जी बिल्कुल दिखे, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि अगर जीत रहे होते तो मोदी जी का फोटो होता, मुझे लग रहा हार रहे हैं इसलिए नड्डा जी को बलि का बकरा बना रहा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं देश के नंबर वन चैनल खुद को कहने वाले आज तक की, जहां पर ब्लैक एंड व्हाइट शो लाते हुए सुधीर चौधरी दिखाई देते। दरअसल सुधीर चौधरी ने क्या कहा है इसे समझिएगा, और इसके बाद आप इनकी बातों से कितने सहमत हैं उसे भी कमेंट करके जरूर बताएगा, और मुझे यकीन है आप जरूर कमेंट करेंगे इसे समझने के बाद। दरअसल कर्नाटक चुनाव को लेकर सुधीर चौधरी बताते हुए नजर आए कि एक बहुत बड़ा टपका बॉर्डर पे है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में वो चूज नहीं कर पा रहा है कि किसको चूज करे, बीचों बीच में बीजेपी को भी चाहता है और कांग्रेस को भी चाहता है। ये लोग वो लोग हैं जिन्हें अपनी अच्छी सैलरी चाहिए, घर चलाना चाहते हैं, अपना बेहतर जिंदगी चाहते हैं, बेहतर सैलरी चाहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, किसान भी आते हैं, मजदूर भी आते हैं, बेरोजगार भी आते हैं, और गृहिणी घर में काम करने वाली महिलाएं भी आते हैं, जो कि इस पोस्टर में बना हुआ। इसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी ने बताया कि जिन्हें जॉब अच्छी चाहिए, जो चाहते हैं कि उनकी सैलरी अच्छी हो जाए, जो लोग चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको अच्छी नौकरी मिले, और साथ ही साथ इसके आखिर में जो बताया उन्होंने कि जो चाहते हैं कि उनका बेहतर घर चले, वो सब कांग्रेस को वोट देते हुए कर्नाटक के अंदर नजर है। सुधीर चौधरी जी, इसमें गलत क्या है? क्या उन्होंने गलत किया अपने परिवार के बारे में सोच के? क्या उन्होंने गलत किया अपने फ्यूचर को लेकर सोच के? क्या लोगों की ये गलती है कि उन्होंने सोच लिया कि उनकी बेहतर जिंदगी हो जाए? आप भी तो सैलरी के लिए काम कर रहे हैं, आपको भी तो मोटी पगार मिलती है, तभी जाकर आप चैनल में आते हैं और लगातार पत्रकारिता करते हुए दिखाई देते। फ्री में तो आप भी नहीं करते, और वही काम अगर आम जनता करती है, आम जनता अपने परिवार की भलाई के लिए वोट देती है, तो उसमें क्या गलत है? इसको भी आप गलत तरीके से बताते हुए नजर आ रहे हैं, आपके हिसाब से ये भी गलत है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सुधीर चौधरी जी ये बताते हुए नजर आए कि जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे हैं वो इन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, जैसे कि उनकी सैलरी अच्छी हो जाए, उसके बाद अगर बात की जाए उनके घर का फ्यूचर अच्छा हो। स्टूडेंट इसलिए वोट देना चाह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनकी पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको अच्छी जॉब मिले और अच्छी सैलरी मिले, इन मुद्दों पर कांग्रेस को वोट दिया गया है। दूसरी तरफ सुधीर चौधरी जी ये भी बताते हुए नजर आए कि अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैंस हैं वो अपनी जगह पर अड़े हुए हैं, वो अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। क्या सुधीर चौधरी जी प्रधानमंत्री के फैंस को रोजगार नहीं चाहिए? क्या प्रधानमंत्री के फैंस को अपना अच्छा फ्यूचर नहीं चाहिए, अच्छी सैलरी नहीं चाहिए? अगर इंसान अपना खुद का भला नहीं कर सकता, अपने परिवार के भलाई के बारे में नहीं सोच सकता, ये क्या सच में फैन है जो किसी भी मुद्दे को सोचना नहीं चाहते, जो अपने घर को लेकर नहीं सोचना चाहते, जो अपने घर के भविष्य को लेकर नहीं सोचना चाहते, जो अपनी सैलरी को लेकर नहीं सोचना चाहते, और सिर्फ फैन होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट देते हुए दिखाई दे रहे हैं? जैसा कि आप बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं बोला, आपने बताया
इन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया जिन्हें जॉब चाहिए थी, इतना अच्छा फ्यूचर चाहिए था, दूसरी तरफ आप ही डिवाइड करते हुए दिखाई दिए और बताते हुए नजर आए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैंस अपने जगह पे आज भी अड़े हुए। तो आपने सारी अच्छी चीजें तो कांग्रेस के तरफ डाल दी, उसके बाद आप बताते हुए नजर आए कि बीजेपी के फैंस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साइड आज भी खड़े हुए, लेकिन उनका मुद्दा आप नहीं बता पाए कि किन मुद्दों पर खड़े हुए, क्योंकि अच्छे मुद्दे तो आपने कांग्रेस के साइड कर दिए। जो मोदी का फैन है वो अभी भी बीजेपी के साथ है, लेकिन एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसे आप फ्लोटिंग जनसंख्या कहते हैं, जिसे अपना परिवार का पेट भरना है, अपना परिवार चलाना है, जिसे रोजगार चाहिए, जिसे हर साल अपनी आमदनी बढ़ानी है, ये वो लोग हैं। ये छात्र हैं जिन्हें आगे चलकर नौकरी चाहिए। ये सारे लोग जो हैं ये देखते हैं कि हमें फायदा कहां हो रहा है, और उन्हें लगा कि फायदा कांग्रेस के साथ जाने में है, इसलिए वो कांग्रेस के साथ चले। अब आपको बताता हूं, दरअसल कर्नाटक के अंदर बीजेपी अपने मुद्दे भूल गई थी। बीजेपी की खुद की सरकार थी, ऐसे में बीजेपी को चाहिए था कि गिना सके जनता के बीच कि उसकी सरकार ने कितना काम किया, लेकिन इस पे बात नहीं हुई। इस पे बात होनी चाहिए थी कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आती है सत्ता में तो क्या क्या काम करके स्टेट के अंदर दिखाई देगी, इस पे भी बात नहीं हुई। बात हुई गालियों पर, बात हुई एंटी हिंदू कांग्रेस को लेकर बताने के लिए, और साथ ही साथ इसके बाद पीएफआई पर हुई, इसके बाद बजरंग दल पे बात हुई, इसी के साथ द केरला स्टोरी पे बात हुई, लेकिन कर्नाटक का मुद्दा कहीं ना कहीं बीजेपी भूल गई। इसके साथ मैं आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा, हल्दी पे भी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दी, लगातार कांग्रेस पे को साधते हुए दिखाई दिए। इस बीच लोगों को ये पता था कि उनका मुद्दा कहीं पर भी सरकार या पार्टी कहा जा सकता है उसके तरफ से उठाया नहीं जा रहा। प्रियंका गांधी ने यही बात बीजेपी को कही कि आप लगातार हम पे प्रहार कर रहे हैं, आप लगातार बात कर रहे हैं बजरंग बली को लेकर, आप बात कर रहे हैं द केरला स्टोरी को लेकर, आप बात कर रहे हैं कि हम अगर आ जाते, यानी कि कांग्रेस पार्टी अगर आ जाती तो पीएफआई पे जो बीजेपी ने बैन लगाया उसे कहीं ना कहीं हटा दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इसमें स्टेट के लोगों का मुद्दा कहाँ है, आम जनता का मुद्दा कहाँ है, आप बात बताते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें कांग्रेस ने इतनी गालियां दी है, सब पे बात हो रही है, कांग्रेस पे लगातार प्रहार किया जा रहा है। बताने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस एंटी हिंदू पार्टी है, लेकिन क्या इससे लोगों को फर्क पड़ता है? लोगों को तो ये चाहिए कि उनका फ्यूचर कैसे बेहतर होगा, उन्हें सैलरी कैसे मिलेगी। इन सारे मुद्दों से कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी रैलियों में गायब रही। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, प्रियंका गांधी ने कई बार मुद्दों पर लाने की कोशिश की बीजेपी पार्टी को, लगातार प्रियंका गांधी बताते हुए नजर आई कि मुद्दों पर आ जाइए, मुद्दों पर बात करिए, जनता के मुद्दों पर बात करिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। हम बीजेपी की नेताओं को और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी को कह रहे हैं कि मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ, मुद्दे पे आओ। हम लोगों ने बार बार कहा कि बीजेपी के नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, गृहमंत्री जी को, फिलहाल दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कैसे देखते हैं जब गोदी मीडिया पत्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो गायब कर देते हैं। आलोक शर्मा बताते हुए नजर आते हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, कि आपने इस वजह से ये फोटो हटा दी क्योंकि कर्नाटक के अंदर कहीं ना कहीं आपकी सरकार जारी। इसके बाद सुधीर चौधरी जनता के बीच में पता नहीं क्या बताने की कोशिश करते हैं, वो मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। आपको समझ में आ गया हो तो आप जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ क्या आपको लगता है इस वजह से कर्नाटक के अंदर बीजेपी पार्टी हारी। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।